स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। इस बार कुछ नया कॉन्सेप्ट आया है और ये बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसके बारे में जब लोगों से बोला जाता है तो लोग इसको बताने से भी डरते हैं। कुछ ऐसा उनके साथ होता है, कुछ इस तरह की वीडियो बनाई जाती है, कुछ इस तरह की अश्लील वीडियो उनको पोस्ट किया जाता है, उन्हीं का वीडियो उनको दिया जाता है। कुछ उनकी गलती नहीं होती है और गलती होती भी है तो उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इस तरह से वो फ्रॉड के शिकार में फंस जाते हैं। क्या है वो पूरा मामला देखते हैं, चलते हैं। इस वीडियो में बने रहिए, आपको आगे बताएंगे कि ये आपके साथ भी हो सकता है और अगर आप इसमें फंस गए तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। नुकसान सिर्फ पैसों की नहीं, आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म किया जा सकता है सिर्फ एक वीडियो की वजह से। कैसे बनता है वो इसको देखते हैं। वीडियो कॉल ब्लैकमेल थ्रेट, आपको टॉपिक का हेडिंग देख करके समझ में आ गया होगा, वीडियो का हेडिंग देख के समझ में आ गया होगा कि क्या चीज था वो पूरा मामला, क्या हो सकता है इस वीडियो में। आप देखिए रियलिटी क्या है, फैंटेसी क्या है, इस चीज के लिए लोगों को बहुत जल्द अपने आप को उस लेवल पे ले जाना होगा, अपना माइंडसेट को इस तरह से समझाना होगा कि अगर आपसे ये गलतियां होती हैं तो आप फंस सकते हैं। क्या कुछ है पूरा मामला देखते हैं। ये पूरा मामला है, इसमें समझने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 54% जो लोग हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इस तरह से चीजों में फंस जाते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू उनके साथ फ्रॉड होता है। 41% जो है मैसेजिंग आते हैं, फोटो एप्स होता है, एडिट करके उनको फोटो दिया जाता है और उसमें फंस जाते हैं। क्या कुछ होता है अभी और आगे देखेंगे। 9% डेटिंग ऐप में फंस जाते हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जो आप, अगर आपको पता हो तो गेमिंग प्लेटफॉर्म में भी इस तरह के कुछ जो इलीगल चीजें हैं, जो एडल्ट कंटेंट है, वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अभी क्या कुछ होता है, कैसे वीडियो बनता है उसको समझते हैं। ये किस तरह से मुडस काम करता है, ये मैसेजिंग ऐप के थ्रू आपको एक मैसेज आ सकता है। ये आपको डेटिंग ऐप के थ्रू, जो डेटिंग ऐप है आप उसमें जाते हैं, टिंडर है और बहुत सारे इस तरह के डेटिंग ऐप्स है, उसमें भी फ्रॉड होते हैं। सोशल मीडिया साइट्स, जो अभी हम बेसिकली उसी को डील करेंगे कि क्या हो रहा है सोशल मीडिया में, फेसबुक में किस तरह से लोगों से इस तरह से दोस्ती किया जा रहा है और क्या कुछ कर रहे हैं लोग, किस तरह से वीडियो बना रहे हैं और उस तरह से उनको एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, सेक्सटॉर्ट कर रहे हैं। और अडल्ट साइट्स, जब कोई उस पर विजिट करता है तो क्या कुछ होता है इसको देखेंगे, समझेंगे क्या है पूरा मामला। देखिए मैसेजिंग ऐप में क्या होता है बेसिकली, अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैसेजिंग ऐप में क्या होता है कि आपको जब वो मैसेज किया जाता है, वो फोटो एक वीडियो मैसेज किया जाता है, आप चैट शुरू करते हैं, चैट शुरू करने के बाद वो आपको पोज करने बोलेगा, स्कैमर बोलेगा कि आप जो है न्यूड हो जाइए वीडियो कॉल में, इस तरह से आपको बोला जाता है। जब आप कुछ इस तरह हरकत करते हैं तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या करता है, रिकॉर्ड करने के बाद आपको वो एक्सटॉर्ट करना शुरू करता है। सेम चीज आपका डेटिंग ऐप में भी वही चीज है, आपसे दोस्ती होती है, सारी कुछ बात होती है, वीडियो कॉल होता है, वीडियो कॉल के बाद वो आपका वीडियो रिकॉर्ड करता है और जहां आपने कोई छोटी सी गलती की आप फिर उसी का शिकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया वाला हम आगे देखेंगे कि क्या कुछ होता है सोशल मीडिया में, सेम फंडा है सोशल मीडिया में। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या आपको बचने के लिए क्या करना है, वो आगे बताएंगे आपको। एडल्ट साइट्स, जब भी कोई एक्सेस करता है कुछ एडल्ट साइट्स में, वो क्या होता है कि बहुत सारे, आपको मैंने कुछ दिन पहले अगर आपको ध्यान हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको बताया गया था। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अगर मान लीजिए कि आपने कोई साइट को एक्सेस किया, उस साइट पे आपने क्लिक किया, साइट फेक है और उस साइट के लिंक को सामने वाला देख लिया, किसी तरह से वो पता कर लिया, वो आपको वो साइट मैसेज करेगा, वो आपको ये बोलेगा कि आपने इसमें एक्सेस करने की कोशिश की, वो आपसे फोन नंबर लेगा, आपका ईमेल आईडी लेगा, आप फेक फोन नंबर डालोगे तो उस पर वो कुछ नंबर भेजता है, ओटीपी भेजता है, आप उस पर एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आपने अपना नंबर दे दिया, आप एक्सेस कर गए उसमें, करने के बाद वो आपको उसी लिंक को आपको भेजकर आपको एक्सटॉर्ट करेगा और आपसे पैसे ठगने की कोशिश करेगा और आप इस चीज को कहीं बता भी नहीं सकते। क्या कुछ होता है, फेसबुक वाला मामला जो बहुत ज्यादा फैल गया है, हर जगह केस इस तरह के आ गए हैं, हर जगह आप जाओगे तो इस तरह के बहुत सारे कम केस रिपोर्ट होते हैं। ये तब रिपोर्ट लोग करते हैं अमूमन जब उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में ठगी हो जाता है। नॉर्मली ये रिपोर्टिंग अभी बहुत कम है, कुछ ही सिटीज में, ये गांव में नहीं है ये सारी चीजें, ये सिटीज में बहुत ज्यादा फैल रहा है, सिटीज में बहुत ज्यादा होता है। देखते हैं क्या कुछ होता है और कैसे क्या काम करता है वो पूरा खेल। देखिए इसमें बहुत सिंपल है समझना इसको कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, इसको बहुत तरीके से समझिए। एक साइबर फ्रॉडस्टर इस तरह के फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको भेजते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक में आता है और आपको मैंने फेसबुक का जो फेक फ्रेंड रिक्वेस्ट वाला था वो आपको मैंने सारा कुछ बता दिया। ऐसा कोई भी बात नहीं है जो आपको नहीं बताई गई है, लेकिन अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो अभी जाकर के देखो, आप उसको उसे समझो। मैंने उसमें रिवर्स इमेज सर्च भी बताया। रिवर्स इमेज सर्च क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने अगर आपका एक फोटो आपको भेजा कि ये मैं हूं, आप उस इमेज को
कीवर्ड सर्च करके चेक कर सकते हो कि जेन्युइन है या फेक है। ये सारी चीज मैंने पहले बता रखी है, लेकिन फिर भी अगर आप गलती करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं किसी पे ब्लेम गेम नहीं कर रहा, बट ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपको पहले ये सारी चीजें बता दी गई है लेकिन फिर भी आप ये गलती करते हो। हुआ क्या, सारा चीज आपको समझाते हैं। इन्होंने फेसबुक में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, विक्टिम जो है हमारा उसने क्या किया, या तो व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू इंस्टा के थ्रू या उसको कॉल करके इसने सारा कुछ इसको डिटेल मिला। इसने देखा कि एक सुंदर लड़की का इनको फोटो आया, ये बहुत खुश हुए। इस महाशय ने क्या किया, इनको रिक्वेस्ट को जो इनको भेजा गया था ये रिक्वेस्ट इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने ऐप चैट स्टार्ट किया। उसके बाद ये उन्होंने क्या किया कि मैं आपके रिलेटिव्स, वो बहुत सातिर होते हैं, उनको पता होता है कि आपके रिलेटिव्स कौन है, आपके फ्रेंड कौन है, वो उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपके फेसबुक में जो भी आपके फेसबुक में कमेंट करते हैं वो उससे जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ पोस्ट किया, आपके फैमिली मेंबर्स उसमें कमेंट कर रहे हैं, वो क्या करेगा, जो फ्रॉडस्टर होता है वो लड़की होती है वो या लड़का होता है, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके उस फैमिली मेंबर से भी जुड़ जाएगा। उसमें जुड़ने के बाद क्या करेगा, वो आपको बोलेगा कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर दो, या आपको मैसेंजर के थ्रू भी वो मैसेज करेगा। उसके बाद वो वीडियो कॉल स्टार्ट करेगा। बेसिकली ये वीडियो कॉल रात में, या आपको बोलेगी कि वो छुप के कहीं चले जाइए, आप वीडियो कॉल कीजिए, आप वीडियो कॉल करते हैं। फिर वो क्या करेगी कि वो अपने आप को वहां पे ये मतलब वो न्यूड हो जाती है। न्यूड हो जाने के बाद क्या होता है कि वो वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती है। रिकॉर्ड करने के बाद आपको एक्सटॉर्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो क्या करती है कि वो ये बोलती है कि आप हमें कुछ पैसे दो, अदरवाइज हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे। आपके जितने फैमिली मेंबर्स जो हमने, क्योंकि वो पहले जुड़ चुकी है, वो ये बोलती है कि आपके सारे फैमिली मेंबर्स को भी हम भेज देंगे। तो इस तरह का जो छोटा सा ये इसने खेल रचा, अब उसका क्या है इम्प्लीकेशंस देखिए। वो क्या करेगी कि आपसे बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मांगेगी, 2,000 रुपए से 5,000 रुपए तक, बहुत छोटा अमाउंट। आपको लगेगा कि आप देख के मामला खत्म करते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आप देख करके बच जाओगे तो ये गलत फहमी है आपकी। वो फिर क्या करेगा कि आपको ये पैसा आपने पे कर दिया, उसके बाद आपको एक यूट्यूब मैनेजर से फोन आता है। वो ये बोलता है कि हमें एक वीडियो मिला है यूट्यूब मैनेजर से, यूट्यूब के मैं मैनेजर हूँ, और अभी आपको ये वीडियो जो है अभी तुरंत हम अपलोड कर देंगे, अदरवाइज आप उनको जो है जिनको भी ये वीडियो बनाया है, एक तो आप गलती किए हो, आप उनको पेमेंट दो, पैसा पे करो। तो आप ये समझो कि एक तो आपसे गलती हुई थी, चलो वो गलती हो गई है, आप नहीं कहीं बता सकते, अभी आपने पेमेंट कर दिया, अभी यूट्यूब वाले को भी पेमेंट किया। फेक लॉ एनफोर्समेंट, एक पुलिस वाला का आपको फोटो भेजा जाएगा कि ये हम पुलिस वाले भलना बोल रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे अपना फोटो भेजेगा, वो रिवर्स इमेज सर्च अगर जो जानता होगा वो अपने आप को बचा सकता है। वो क्या करेगा, पुलिस वाला का एक फोटो भेजेगा जो आपको आगे आपको दिखाएंगे, वो फोटो के बाद उससे पैसा मांगने की कोशिश करेगा कि अगर ये आपको वीडियो, आपने इस तरह का कोई वीडियो बनाया, हमारे पास कंप्लेन है और हम इस वीडियो को जो है आपको पुलिस में डाल देंगे, इस पे केस करेंगे और आपके घर पे भेज देंगे। तो इस वजह से लोग सोचते हैं कि चलो किसी तरह से हमको मामला खत्म करना, मामला खत्म करने के नाम पे फिर वो एक्सटॉर्ट करेगा, वो धमकी देगा। फिर डेटिंग चैटिंग वाला भी सेम फंडा इसी तरह होता है। डेटिंग चैटिंग जो होता है, उस तरह चैट करोगे आपका फिर वीडियो बना लिया जाएगा और आपसे कोई भी गलत हरकत करा के आपसे एक्सटॉर्ट किया जाएगा। साइट्स वाला जो आपको बताया, बेसिकली ये सारा कुछ एक ही तरह से काम करता है। अभी क्या हुआ कि ये जो हमारा विक्टिम है, इसने क्या किया, मेंटली ट्रॉमेटाइज होकर के इसने क्या किया कि विक्टिम जो है सारा पैसा पे कर दिया, जो भी इसे पैसा मांगा इसने पैसा पे किया और ये पैसा इसको चला गया। अब ये लगातार कंटिन्यू चेंज चलता है, आपको लगता है क्योंकि उसने तो, उसके पास तो वीडियो है आपका, वो कभी भी आपको बार बार ब्लैकमेल कर सकती है। और विक्टिम इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो विक्टिम ये करता है, ये आपको पता चल गया होगा क्या है, ये है ऑस्ट्रिच। ये क्या किया है, अपने आप को छुपा लिया है, शिकारी से बचने के लिए अपना सिर वो बालू में डाल दिया। उसको ये लगता है कि अब शिकारी मुझे नहीं देख रहा है, उसका आंख खुद का बंद होता है और वो सोचता है पूरी दुनिया हमें नहीं देख रही। ये भी वही काम करता है। वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो अपना व्हाट्सएप चैट्स, वो अपना फेसबुक अकाउंट, वो सारा चीज डिलीट कर देता है। अगर वो सोचता है कि डिलीट करने से हम बच जाएंगे तो सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि अगर आप लॉ एनफोर्समेंट के पास जाओगे, आपके पास आपने एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी आपके पास जब एविडेंस ही नहीं है तो पुलिस भी कुछ मदद आपकी नहीं कर सकती है, बिना एविडेंस का कोई काम नहीं होता और आप ठगे जाते हो और आपका बहुत भारी नुकसान हो जाता है। कभी भी डिलीट नहीं करना है। और अगर आपसे ये चीज हो गया है या सामने वाले ने गलती से कर दिया है, तो आपको इमीडिएटली वहां रुक के 2 मिनट सोचना है कि आप उसको कैसे पैसिफाई कर सकते हो, कैसे इस चीज को सामने वाले को बता सकते हो। आप पुलिस वाले से बात कर लो, आप तुरंत इमीडिएटली अपने फैमिली मेंबर से बताओ कि इस तरह का कुछ चीज हमारे साथ हुआ है। ये अननोन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट ही नहीं, आपको अननोन कॉल भी आ सकते हैं। एक आपको ऐप दिखेगा, उसमें एक फोटो आएगा जो फोटो बहुत अच्छा लगा हुआ रहेगा और आपको वीडियो कॉल आएगा। आप उसको जैसे उठाओगे तो सामने वाला क्या करेगा, वो अपने आप को न्यूड करना स्टार्ट करेगा। जैसे न्यूड होगा उसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और आप ही को वो वीडियो भेज देगा। आप फिर फंस जाओगे कि आपने
उस वीडियो को उठा के बहुत भारी गलती की, आपको तो यही लग रहा है, लेकिन आपने जो अननोन वीडियो कॉल उठा लिया उससे आपके साथ परेशानी हुई। तो सबसे पहले दिमाग में तो यही रखना है कि आपको अननोन वीडियो कॉल उठाना नहीं है, और भी कुछ क्या कर सकते हैं इसको आगे देखते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ एग्जांपल्स की क्या कुछ हो रहा है हमारे विक्टिम्स के साथ और लोग किस तरह से फंस रहे हैं, इसके एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये लड़की ने उसके सामने वाले का वीडियो बना दिया, ये लड़की भी फेक है, ये नंबर भी फेक है, लेकिन हमने इसको, चूंकि हमने बोल रखा है कि हमने विक्टिम या किसी की आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करते, इस वजह से इसको हाइड किया। अपलोड करनी हो के डिलीट हो गया, अपलोड बोलो डिलीट करनी हो तो 5000 पेटीएम करो, बहुत छोटा अमाउंट 5000 रुपीज वो सामने वाला उसको दे सकता है, उतना ही अमाउंट वो मांगते हैं, वो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं मांगते हैं कि फिर आप जाकर के कुछ गलत काम कर बैठो, तो उनको भी पता है कि क्या करना है नहीं करना है। ये वो वीडियो था, उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना है, अभी तक सामने वाले से कभी मिलाएंगे। देखिए क्या है, तो ये इसने पे किया 1000 रुपीस, किसी तरह से 1000 पे कर दिया और इसको बोला कि आपने डिलीट कर दो। तो अब देखिए फिर क्या हुआ, पे करने के बाद इसने फिर बोला कि 2000 और डालो। इसके बाद इसने लगातार उसको एक्सटॉर्ट किया, एक्सटॉर्ट करते करते आपको मैं बता दूं कि ये 3 लाख से ऊपर ज्यादा अमाउंट ये पैसा दे चुके हैं अभी तक, और इस तरह का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब इसमें ये हम लोग इसको सिन ऑफ द सोसाइटी बोलते हैं। सिन ऑफ द सोसाइटी का मतलब ये हुआ कि वैसे क्राइम या वैसे कुछ इंसिडेंट जो हम सोसाइटी में खुलेआम नहीं कर सकते, सोसाइटी को नहीं बता सकते, इस बंदे के साथ, इस विक्टिम के साथ यही हुआ, और उसके बाद वो कहीं बता नहीं सकता था, वो धीरे धीरे पैसा देता गया, जब वो परेशान तब हो गया जब वो उसका अकाउंट खाली हो गया। वो अगर ये बात शुरू में ही किसी पुलिस वाले को बता दिया होता तो ये सारा चीज इसके साथ नहीं होता। लेकिन देखिए इसी तरह का कुछ है, जो वीडियो कॉल करो लाइट ऑन करो ये क्यों बोला जा रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि अगर वीडियो कॉल कर रहे हैं और लाइट ऑन है तब आपका चेहरा दिखेगा ताकि वो वीडियो को अच्छे से रिकॉर्ड कर सके। ये रिकॉर्ड हुआ, उसने कितने पैसे मांगे, 2100 रुपये, मात्र 2100 रुपये उसे मांगा गया। मांगने के बाद उसने क्या किया, मैं तुम्हारी वीडियो अभी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, ये एक लिंक भी भेजा जाएगा, वो उसने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रखा है, लिंक भेज देता है, विक्टिम को लगता है यूट्यूब में अब अपलोड होने वाला, उसके बाद ये साइबर ब्रांच के लिए नंबर सेंड करती हूँ, ये सारे चीज बोल के डरा के धमका के एक्सटॉर्शन और सेक्सटॉर्शन यही हो रहा है सारा चीज। और ये देखिए ये जो है, आप एक फोटो भेजा गया, फोटो भेज करके बोला गया YouTube का कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आपको सारा चीज भेजे, ये फोटो भेज दिए, आपको लगा कि विनोद मिश्रा नाम का कोई बंदा है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से है, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से ये वाकई में जेन्युइन है या फेक है ये किसी को नहीं पता, बट सामने वाला डर के पैसा दे सकता है। ये इंस्टा पे एक चल रहा है, इंस्टा आईडी जो इंस्टा में इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीजें चलती हैं, ये सारा चीज चल रहा है, पेटीएम यूजर और जो भी है पेटीएम नंबर सर्विस के लिए, और बहुत सारी इस तरह की चीजें बनी हुई है, लोग इस पे एक्सेस करते हैं और फंस जाते हैं और बहुत भारी नुकसान हो जाता है। काइंडली इन सब चीजों से ऊपर उठे और इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़े, अगर पड़ जाओगे फंसोगे आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आप कहीं बता नहीं पाओगे, फाइनल जो है फिर आप कुछ ऐसे हरकत करने पे मजबूर हो जाओगे जिसका समाज पे कोई एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं वीडियो कॉल के लिए 30 मिनट में 1000 रुपया, फिर ऑडियो कॉल के लिए, डेमो न्यूड के लिए, फिर उसके बाद फ्री डेमो के लिए आप नहीं पूछ सकते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे पेटीएम कर लीजिए। तो इस तरह के फेक मैसेजेस आ रहे हैं, आप पेटीएम करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बात करोगे फिर आपको कुछ इधर उधर बहलाया जाएगा, फुसलाया जाएगा, फिर आप ही से और पैसा मांगा जाएगा। ये एक दलदल है, इसमें आप घुसोगे और फंसते चले जाओगे, इसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप क्या करना है क्या नहीं करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बचने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय यही है, अननोन चीजों को टच नहीं करना। अननोन को अगर आप हाथ लगाते हो और दलदल में घुसते हो तो आप फंसोगे, ऑब्वियस बात है। देखिए पहला क्या है, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। अननोन नंबर से अगर फोन कॉल अब आपको आता है, वीडियो कॉल आता है और आपको ये लगता है कि हम तो बहुत स्मार्ट आदमी है और जो है कि इस तरह के वीडियो कॉल जो है मुझे आ रहे हैं, मतलब मुझे सोसाइटी में बहुत लोग जान रहे हैं, लड़कियां मुझे मैसेज कर रही हैं, कॉल कर रही हैं, या कोई लड़की है तो लड़के बहुत स्मार्ट स्मार्ट में मैसेज कर रहे हैं, अगर इस चक्कर में पड़ोगे तो ये उनके साथ हो रहा है और ये रिपोर्टिंग बहुत कम है, इस वजह से हम लोग किसी को पकड़ भी नहीं पाते हैं। इस पे कुछ लोग हैं जब एकदम वो एग्जॉस्ट हो गए तब उन्होंने रिपोर्ट किया, फाइनली तब जाके कुछ कुछ चीजें समझ में आई। ये वीडियो बनाने में देर इसलिए लगा क्योंकि मैं सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर रहा था और बहुत ज्यादा इसमें जानकारी लेकर के मैं बताया हूँ, और सारा जो ये बताया गया आपको, अगर आप इसमें से 2-3 चीज भी करते हो आपके साथ ये फ्रॉड कभी नहीं होगा। पहले ही चीज कर लो, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को आपको नहीं रिसीव करना है, वीडियो कॉल अननोन नंबर से नहीं करना है, कभी भी अपने आप को न्यूड पोस्ट नहीं करना है, पिक्चर नहीं करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पे कहीं भी आपको ये चीज नहीं करनी है।
कोई भी आपको, अगर आपको सेमी न्यूड या न्यूड फोटो या कुछ भी चीज ऐसा आता है तो आप उसको क्लिक नहीं करना है। अगर आप उसको क्लिक कर लेते हो तो होता क्या है, मान लीजिए कि वो एक फाइल है जो सामने वाला फ्रॉडस्टर देख रहा है, वो सारा आपका डेटा ले लिया। अब डेटा लेने के बाद आपको वापस वो मैसेज करता है, वो मैसेज ये करता है कि आप इस साइट पे घुसे हो, एडल्ट साइट पे आप जाकर के कुछ चीज देख रहे हो। तो ये बहुत छोटी सिंपल सी चीज होती है। मैं आपको बता दूंगा कि आपने कल कौन सी साइट सर्च की थी, मैं जो कि मुझे बहुत टेक्निकली इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको इमीडिएटली बता सकता हूं कि कल आपने किस साइट को सर्च किया था। तो जब ये छोटी छोटी चीज एक नॉर्मल इंसान बता सकता है तो ये लोग तो टेक्निकली बहुत एडवांस होते हैं। आप इस चक्कर में मत पड़ो, फंसोगे और आपका नुकसान होगा। अगर आपके साथ होता है तो आपको क्या करना है, आप पुलिस स्टेशन जाइए, 100 डायल कीजिए, 112 डायल कीजिए, आपको ये साइट बताया जा चुका है cybercrime.gov.in। फेसबुक पे अगर कोई चीज इस तरह का आप प्रोफाइल देखते हो, आपको लगता है कि फेक है और आपसे ठगने की कोशिश कर रही है, तो आप इमीडिएटली उसको रिपोर्ट कर दो। यूजर को रिपोर्ट करना आपको बताया गया है, पीछे फेसबुक वाला जो भी मामला है, फेसबुक सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाइएगा तो कैसे रिपोर्ट करते हैं वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उसी के सीक्वेंस में ये वीडियो है, इस तरह की चीजें हैं और इस तरह के जो भी मामले हैं, इन सब चीजों से समझिए, बचिए और अपने आप को सेफ रखिए। किसी भी तरह का आपका हरकत अगर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे और इस तरह के किसी भी साइट्स पे होते हैं और आप इसको रिपोर्ट नहीं करते और आपको लगता है कि आप इसको नॉर्मली खत्म कर दीजिएगा, तो ऐसा होता नहीं है। अगर आप इस चीज से बहुत ही समझदारी से काम नहीं लीजिएगा, आप ठगे जा सकते हैं, कभी भी आप ठगे जा सकते हैं। आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए, इस तरह के फ्रॉड्स बहुत बढ़ गए हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, इसलिए आप इन सब चीजों से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरह के किसी भी वीडियो कॉल, फोन कॉल को रिस्पॉन्ड ना करें, कोई मैसेज को रिस्पॉन्ड ना करें। लालच बहुत बुरी बला है, लालच के चक्कर में ना पड़े, अपने आप पे कंट्रोल रखें, संयम रखें और आगे बढ़ें। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, इन सब चीजों में फंसिएगा तो नुकसान होगा और आपका एक लाइफ का बेस्ट फेज जो है वो इसी में कट जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।